All right, let's get back to news there. What we are tracking right now as far as the leader of opposition, Rahul Gandhi, in the Lok Sabha, his statements while being in the United States that have resulted in one controversy and another. But right after that, one particular comment that certainly did not go down well was his remark that he made against the Sikhs of the country. Rahul Gandhi claimed that Sikhs in India are under threat. They are no longer in a position or have the freedom to wear turbans or kada. And amid this fear backlash, the Union Minister, Ravneet Singh Bittu, has gone ahead to attack the Congress leader. In fact, he went on to brand Rahul Gandhi as India's number one terrorist, saying that he's the enemy of the nation. जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। जब वो एक मजहब, एक धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे और विदेश में जाके ये कहेंगे भी ये कड़ा डालना मना है, पगड़ी बांधना यहाँ मना है, गुरुद्वारे यहाँ मना है, तो और राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई? इन परिवार ने, गांधी फैमिली नहीं, पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए इन गांधी फैमिली के कारण। हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी, और जहां गुरु ग्रंथ साहब थे वहां पे जाके गोली लगी है।